हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। तो आज की इस वीडियो में हम एनसीसी नोट्स के फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर सेक्शन फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। हर बार ए बी सी कोई भी सर्टिफिकेट एग्जाम हो, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन फॉर्मेशन। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन क्या है। अ सेक्शन इज द स्मॉलेस्ट सब यूनिट ऑफ ए इन्फेंट्री बटालियन। एक इन्फेंट्री बटालियन की सबसे छोटी टुकड़ी को क्या बोलते हैं हम, एक सेक्शन। आपने इन्फेंट्री यूनिट के स्ट्रक्चर्स में पढ़ा भी होगा, सबसे छोटी यूनिट सेक्शन होती है, उसके बाद प्लाटून होती है, उसके बाद एक कंपनी होती है, और फिर एक बटालियन बनती है, फिर एक ब्रिगेड बनता है, फिर एक डिवीजन बनता है, और फिर एक कोर बनता है। ओके, इस तरीके से इन्फेंट्री का सेटअप होता है। खैर, ये दूसरे किसी और लेक्चर की बात है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बता दी। ओके, नाउ कमिंग डाउन टू, अ सेक्शन इज द स्मॉलेस्ट सब यूनिट ऑफ एन इन्फेंट्री बटालियन। एक इन्फेंट्री बटालियन की सबसे छोटी इकाई होती है सेक्शन। कैपेबल ऑफ अंडरटेकिंग इंडिपेंडेंट टास्क, ये अपने आप में एक निपुण होता है। एक इन्फेंट्री यूनिट का जो टास्क होता है, एक पैदल सैनिक का जो काम होता है, वो करने में ये सक्षम रहता है। यानी दुश्मन को मार गिराने में, दुश्मन को नष्ट करने में, अपनी जमीन प्रोटेक्ट करने में प्योर सक्षम होता है। ये 10 फौजियों का एक ग्रुप होता है, 10 ट्रूप्स होते हैं इसमें, जो राइफल ग्रुप और स्पोर्ट ग्रुप में बटे होते हैं। ओके, राइफल ग्रुप में 6 राइफलमैन होते हैं। ओके, हर एक सेक्शन में एक कमांडर होता है और एक सेकेंड इन कमांड भी होता है। देयर आफ्टर सपोर्ट ग्रुप में 2 लोग, यानी 2 फौजी या 2 ट्रूप आरएल सेक्शन में होते हैं, आरएल पार्टी होती है, रॉकेट लॉन्चर पार्टी होती है, और 2 एलएमजी सेक्शन में होते हैं, एलएमजी पार्टी होती है, लाइट मशीन गन को होल्ड करते हैं। ओके, व्हाट इज सेक्शन फॉर्मेशन। सेक्शन फॉर्मेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ट्रूप्स, अपने सिपाहियों का अरेंजमेंट, किसके, कौन से सिपाही जो एक सेक्शन में होते हैं, यानी एक सेक्शन के 10 सिपाहियों का अरेंजमेंट क्या होता है, सेक्शन फॉर्मेशन होता है। कब, व्हेन ट्रूप्स कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एनिमी, एंड टाइप ऑफ फॉर्मेशन अडोप्टेड इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन फॉलोइंग 4 फैक्टर्स। नीचे दिए गए 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है कि फॉर्मेशन किस तरीके की होगी। लेकिन एक सेक्शन फॉर्मेशन क्या होता है, जो एक सेक्शन में 10 जवान है, उनका अरेंजमेंट, उनके पोजिशन का अरेंजमेंट ही सेक्शन फॉर्मेशन कहलाता है। अलग अलग तरीके की सेक्शन फॉर्मेशन किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, नंबर 1 डिग्री ऑफ कंट्रोल रिक्वायर्ड To be exercised by section commander. Section commander को कितना control अपने troops पे चाहिए, okay? क्योंकि अलग-अलग operations में अलग-अलग तरीके का command and control use होता है। Type of ground, किस तरीके की जमीन है, रेगिस्तान का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, नदी नालों से भरा हुआ है, okay? Necessity of bringing down maximum fire with minimum delay. कई बार आप दुश्मन के इतने करीब होते हो कि आपको बहुत कम समय मिलता है दुश्मन पे फायर करने के लिए और उसको खत्म करने के लिए। ओके, टास्क, आपका किस तरीके का टास्क है, आप पेट्रोलिंग कर रहे हो, आप एम्बुश में बैठे हो, आप अटैक कर रहे हो, रेड कर रहे हो, या क्या कर रहे हो, किस तरीके का टास्क आपको मिला है, उस पे डिपेंड करता है कि सेक्शन फॉर्मेशन किस तरीके की होगी। अब देखते हैं, देयर आर बेसिकली 6 टाइप ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन। सेक्शन फॉर्मेशन 6 तरीके की होती है। सिंगल फाइल फॉर्मेशन, हम हर एक को बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव मैनर में समझने वाले हैं, सो देयर इज नथिंग टू वरी। फाइल फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन, स्फीयर हेड, डायमंड फॉर्मेशन और एक्सटेंडेड लाइन, ये 6 तरीके की फॉर्मेशन होती है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए, इस पे से क्वेश्चन 101% आपके पेपर में आएगा ही आएगा, आई कैन गारंटी यू। एनसीसी का कोई पेपर नहीं होता जिसमें सेक्शन फॉर्मेशन में से क्वेश्चन ना आए, ओके, चाहे वो किसी भी मैनर में आ सकता है। सबसे पहले देखते हैं सिंगल फाइल फॉर्मेशन। सिंगल फाइल फॉर्मेशन में इस तरीके से होते हैं, 10 के 10 जवान इस तरीके से, इनकी राइफल्स की डायरेक्शन है वो आपको इनके डायरेक्शन बताती है कि जब एक सेक्शन फाइल फॉर्मेशन में मूव करता है तो किस तरीके से मूव करता है। हमने पहले पढ़ा था, इसमें एक राइफल ग्रुप होता है और एक स्पोर्ट ग्रुप होता है। तो स्काउट्स, राइफलमैन और कमांडर, ये सब कौन से होते हैं, राइफल ग्रुप होते हैं। और आरएल 1-2, आरएल 1-2 यानी रॉकेट लॉन्चर 1, रॉकेट लॉन्चर 2,
रॉकेट लॉन्चर वन जो होता है वो रॉकेट लॉन्चर को लेके चलता है, और टू जो होता है वो उसके सपोर्ट में होता है। ओके, क्योंकि रॉकेट लॉन्चर एक अकेला इंसान फायर नहीं कर सकता। सिमिलर मैनर में एलएमजी, एलएमजी वन एलएमजी को लेके चलता है और एलएमजी टू उसके सपोर्ट में होता है। ओके, एक नॉर्मल राइफल मैन की तरह ही होता है, लेकिन ये हमेशा एलएमजी वन के साथ रहेगा, एलएमजी वन का कई सारा एम्युनिशन साथ लेके चलेगा। तो इस तरीके से एक सेक्शन का मेकअप होता है। ओके, जब आप आर्मी अटैचमेंट या सपोज आप सर्विसेज में हो, आर्मी में हो, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ता है कि कौन सा राइफलमैन कौन कौन सा एम्युनिशन लेके जाएगा, कौन कौन सी गन लेके जाएगा। ओके, इनमें से एक फौजी के पास, एक राइफलमैन के पास ग्रेनेड लॉन्चर भी होता है। ओके, यूबीजीएल बोलते हैं उसको, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, वो इनमें से किसी एक के पास वो भी होता है। वो अक्सर AK-47 के नीचे अटैच होता है, तो वो AK-47 लेके चलता है। लेकिन हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें बस इतना पढ़ना है सिंगल फाइल फॉर्मेशन में ट्रूप्स ऐसे लंबी लाइन में चलते हैं। ओके, हार्डली आपको शायद कोई पोजीशन भी नहीं पूछने वाला है। अगर आप इनकी पोजीशन याद कर ले तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। ओके, स्काउट्स हमेशा राइफलमैन ही होते हैं। ओके, स्काउट्स जो होंगे वो राइफलमैन होंगे। स्काउट्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे, देयर इज नथिंग टू वरी। अब देखते हैं इस फॉर्मेशन की खासियत क्या है, इसकी एडवांटेजेस क्या है। अच्छा कंट्रोल रहता है, कमांडर अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, तेज गति होती है, आप फास्टली मूव कर सकते हो, इन्फ्लेटेड फायर से नुकसान नहीं होता है। यानी अगर फायर इस तरीके से, अगर इस तरफ से फायर आ रहा है या फैला हुआ जो फायर आ रहा है उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि हम बिल्कुल हमारे जैसे ये राइफलमैन इस तरफ पॉइंटेड आउट है, ये राइफलमैन इस तरफ पॉइंट कर रहा है, ये राइफलमैन इस तरफ, तो यानी अगर फैला हुआ फायर आ रहा है तो हम उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। ओके, हैज रोज ब्रिजेज डफाइल के लिए उपयुक्त, यानी जो संकीर्ण जगह है, ओके, जो नैरो पाथवेज है, ओके, जो क्लोज कंट्री जगह है, वहां पे आप आराम से मूव कर सकते हो। ओके, इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, इफेक्टिव फायर नहीं है। सपोज सामने से दुश्मन आ गया तो हम सिर्फ एक राइफल स्काउट वन या स्काउट टू ही ज्यादा से ज्यादा फायर कर सकते हैं, मैक्सिमम सेक्शन कमांडर तक, अदरवाइज आप पूरा फायर मूव नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिंगल लाइन में चल रहे हो। अगर आप फायर करोगे तो आपके ही साथी को गोली लग सकती है, तो आगे के ही दो तीन इंसान फायर या दो तीन फौजी ही फायर कर पाते हैं। ओके, फ्रंटल सामने से फायर में नुकसान हमने अभी डिस्कस किया। ओके, ये हेल्पफुल कहाँ है, नाइट मार्च के दौरान। ओके, क्लोज कंट्री जैसी जगह में जंगल से जाते समय हमने अभी डिस्कस किया, क्लोज कंट्री यानी जो क्लोज जगह है, यानी नैरो पाथ फेज है। ओके, ऑब्स्टेकल पार करते समय, जब कोई ऑब्स्टेकल है यानी ये कोई नदी है और हमने दो पेड़ों से रस्से बांध लिए हैं, ओके, तो हम सिंगल लाइन में, या कोई एक पतला सा पुल है जो आप मूवीज में देखते होंगे, जम्मू कश्मीर में या उस तरह इलाके में ज्यादा होते हैं, तो वहां पे हम सिंगल फाइल फॉर्मेशन का प्रयोग कर सकते हैं, वहां पे ये कारगर साबित होती है। उसके बाद देखते हैं फाइल फॉर्मेशन। फाइल फॉर्मेशन में क्या होता है, पांच जवान इस तरफ चलते हैं और पांच जवान उसके इस तरफ चलते हैं जब ये इस दिशा में मूव हो रहे हैं। ओके, स्काउट वन स्काउट टू सेक्शन कमांडर, राइफलमैन थ्री सेक्शन टू, IC RL1 LMG1 RL2 LMG2 हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये क्या होते हैं। इनके प्रोज क्या है, सिंगल फाइल की तरह है लेकिन ज्यादा कॉम्पैक्ट। ओके, ये कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। इसका नुकसान भी ये है, सपोज अगर अटैक होता है तो भारी मात्रा में होगा। ओके, सपोज अगर इस तरफ से अटैक होता है तो ये ट्रूप्स इस तरफ फायर नहीं कर सकती, सिर्फ इतना ही ट्रूप इस तरफ फायर कर सकता है, जबकि RL1 फायर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ही इज होल्डिंग RL, ही इज नॉट हैविंग एनी वेपन। ओके, सो वो RL का ही फायर कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, आपको कवर लेना पड़ता है, RL को रेडी करके फायर करना पड़ता है। ओके, तो इसका नुकसान भी ये है और खासियत भी ये है कि ये कॉम्पैक्ट हो जाता है, थोड़ा ज्यादा क्लोज हो जाता है। ओके, हेल्पफुल इन कम मददगार होता है जब लंबे रूट मार्च पे जाते हैं, जब लंबे रूट मार्च पे जाते हैं, ओके, जब दुश्मन का खतरा ना हो, लंबे रूट मार्च पे दुश्मन का खतरा ना हो, ओके, उस समय पे ये प्रयोग किया जाता है। जब किसी रोड या चौड़े नाले के किनारे
करना पड़े। ओके, सपोज यहाँ पे कोई नदी है, नाला है, ओके, या रोड है, रोड ओपनिंग पार्टीज आरओपीज होती हैं, ओके, तो उस समय ये कारगर साबित होता है। टाइप ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन, इसमें से आपको हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि सिंगल फाइल फॉर्मेशन की खासियत लिखिए, तो वो आपको इनकी पोजीशन से ही समझ आ जाएंगी कि ओके, अगर आपके एक 10 लोगों के समूह को, एक 10 लोगों के ग्रुप को सिंगल फाइल फॉर्मेशन में मूव करते इमेजिन करोगे, सोचोगे कि भाई अगर सपोज अटैक इस तरफ से हो जाता है तो हाँ ठीक है, ये कैपेबल है, ये अटैक को काउंटर कर लेंगे, लेकिन अटैक अगर सामने से हो जाता है तो वो काउंटर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप खुद भी इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख सकते हो। अब बात करते हैं एरो हेड फॉर्मेशन की। एरो हेड फॉर्मेशन में, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, एरो हेड फॉर्मेशन में 3 लोग ऐसे होते हैं, ओके, 3 इस तरीके से होते हैं और 4 इस तरीके से होते हैं, यानी ये क्या बनाते हैं, एक एरो हेड इस तरीके से। ओके, सेक्शन कमांडर यहाँ बीच में होता है और सेम मैनर में होते हैं स्काउट 1, स्काउट 2, सेक्शन कमांडर RL 1, राइफलमैन 3, राइफलमैन, ओ सॉरी, RL नंबर 2, राइफलमैन नंबर 4, LMG 2, LMG 1 और सेक्शन 2। ऐसे इससे आप एक चीज और आपकी मदद हो जाती है, कई बार क्वेश्चन आता है कि एक इन्फेंट्री सेक्शन में कई वेपन लिखिए, तो इन्फेंट्री सेक्शन में क्या क्या वेपन होते हैं, राइफल, UBGL अंडर बैरल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, RL रॉकेट लॉन्चर, LMG लाइट मशीन गन, ये क्या होते हैं, एक सेक्शन के हथियार होते हैं, इसमें आप ग्रेनेड को भी ऐड कर सकते हो। ओके, इसके प्रोज क्या है, अच्छा इफेक्टिव फायर है, ओके, ये 3 लोग ग्रुप में फायर कर सकते हैं, इस तरफ से ये जो सेक्शन है वो भी फायर कर सकता है अलग अलग डायरेक्शंस में, इस तरफ से ये भी अलग अलग डायरेक्शन में फायर कर सकते हैं, अच्छा इफेक्टिव फायर आप दुश्मन पे डाल सकते हो, किसी भी फ्लैंक पर जल्दी डिप्लॉय हो सकते हो। ओके, ये वाले ट्रूप्स इस तरफ कवर कर लेंगे एरिया को, ओके, ये वाले ट्रूप्स ट्रूप्स सॉरी इस तरफ डिप्लॉय हो जाएंगे, ओके, ये भी अपना अपना डिप्लॉयमेंट ले लेंगे जब भी दुश्मन का फायर आता है तो, ओके, जल्दी से डिप्लॉय हो सकते हो। इनकी खासियत, ओ सॉरी, नुकसान क्या है, इन्फ्लेटेड फायर से नुकसान, अगर फैला हुआ फायर आता है तो उससे नुकसान है, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है ये फायर नहीं कर पाएगा क्योंकि इनके सामने नहीं होंगे, अगर इस तरफ से फायर आता है तो सिमिलर मैनर में ये सेक्शन इस तरफ फायर नहीं कर पाएगा। ओपन कंट्री यानी एरिया माउंटेन्स है, ओके, अपलैंड्स है, अपलैंड यानी पठार है या कोई उभरी हुई जगह है, ओके, झाड़ियां हैं या कहीं हम पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं, ऐसे एरिया में एरोहेड फॉर्मेशन बड़ा कारगर साबित होता है, या जब दुश्मन का खतरा हो, ओके, ताकि आप इफेक्टिवली फायर डाल सकते हो। अब बात करते हैं स्फीयर हेड फॉर्मेशन की। स्फीयर हेड क्या होता है, भाले की तरह, ओके, जैसे भाला होता है उस तरीके से, तो यहाँ पे ट्रूप्स है, यहाँ पे ट्रूप है, यहाँ पे ट्रूप है, यहाँ पे 2 बंदे हैं और बाकी ट्रूप इस तरीके से, आप अगर इसको देखोगे ध्यान से तो एक भाले के जैसे होता है, ओके, इसको क्या बोलते हैं हम, स्फीयर हेड फॉर्मेशन। इसकी खास बात क्या है, अच्छा फायर, इफेक्टिव फायर कर सकते हो आप, डेप्थ प्रोवाइड करता है, फॉर्मेशन में गहराई प्रोवाइड करता उसके बाद फायर सपोर्ट ग्रुप को प्रोटेक्शन देते हैं, तो फायर सपोर्ट ग्रुप यहाँ पे RL1 और RL2 है जो वो इनसे प्रोटेक्टेड है। इसके नुकसान का है, जब दुश्मन का खतरा हो उस समय कमांड एंड कंट्रोल में थोड़ी परेशानी होती है, जैसे कि आप इसकी पोजीशन से ही देख सकते हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्मेशन है, सबको अपनी पोजीशन याद रखना और उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मददगार तब है जब ओपन एरिया को क्रॉस करते समय, जब खुला मैदान है, ओके, ओपन एरिया को क्रॉस करना है तो उस समय ये मददगार है। डायमंड फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन ये डायमंड की आकार में होते हैं, आप देख सकते हो इस तरीके से। इसकी खास बात क्या है, ऑल राउंड ऑब्जर्वेशन, चारों तरफ से ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करता है, ऑल राउंड फायर डायरेक्शन के लिए अच्छा है, चारों तरफ आप इफेक्टिवली फायर कर सकते हो,
कमांड एंड कंट्रोल के लिए अच्छा है, क्योंकि सेक्शन कमांडर यहाँ पे है, बीच में है, सेक्शन कमांडर अपना आदेश किसी भी तरफ आसानी से पहुंचा सकता है। इसके नुकसान क्या है, फ्रंटल फायर के लिए इजी टारगेट है, क्योंकि सामने से अगर कोई दुश्मन पार्टी फायर करती है तो इजी टारगेट है, क्योंकि वो इनको भी टारगेट कर सकती है, इनको भी टारगेट कर सकती है और इनको भी टारगेट कर सकती है। एनफ्लेड फायर का खतरा है, फैले हुए फायर का खतरा रहता है। हेल्पफुल इन ओपन एरिया को क्रॉस करते समय मददगार होता है, और जब दुश्मन का खतरा होता है उस समय भी मददगार। हमारे ऊपर फायर हो सकता है आसानी से, लेकिन हम आसानी से फायर कर भी सकते हैं, इसकी ये भी खास बात है। ओके, एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन में 10 के 10 ट्रुप इस तरीके से चलते हैं। ओके, इसकी खास बात क्या है, फ्रंट एरिया पे इफेक्टिव फायर होता है। ओके, बेनेट फाइटिंग के लिए उपयुक्त है, यानी जब गुत्थम गुत्था की लड़ाई होती है तो उसके लिए उपयुक्त है, आप ज्यादा एरिया कवर कर सकते हो। इसके नुकसान का है क्या है, कमांड एंड कंट्रोल काफी मुश्किल हो जाता है इसमें। ओके, एनफ्लेड फायर का खतरा रहता है, फैले हुए फायर का हमेशा खतरा रहता है, इजी टारगेट हो जाते हो। सपोज दुश्मन के बंकर यहाँ पे है और आप इस तरफ मूव कर रहे हो, तो दुश्मन किसी को भी हिट कर सकता है। ओके, हेल्पफुल इन मददगार होता है जब गैप्स को क्रॉस करते हैं, या फाइनल असोल्ट के समय, जब आखिरी असोल्ट होता है, गुत्थम गुत्था की लड़ाई होती है, उस समय ये मददगार साबित होता है। अब हमने स्काउट्स के बारे में पढ़ा था, तो अभी देखते हैं स्काउट्स क्या होते हैं। स्काउट्स आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ ए सेक्शन। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि स्काउट्स हमेशा एक सेक्शन के आंख और कान होते हैं। आपने पीछे फॉर्मेशंस में शायद ऑब्जर्व भी किया हो, स्काउट्स हमेशा आगे रहते हैं। आप किसी भी फॉर्मेशन में देखना, स्काउट्स की पोजीशन हमेशा आगे होगी। ओके, स्काउट 1 एंड स्काउट 2। अब कोई भी पोजीशन ले लो, सॉरी कोई भी फॉर्मेशन ले लो, स्काउट्स हमेशा आपको आगे ही मिलेंगे। ओके, यहाँ पे स्काउट्स क्या है, आंख और कान है, यानी वो सबसे आगे चलते हैं और सबसे पहले हरकत को देखते हैं। स्काउट्स ऑलवेज वर्क्स इन पेयर, हमेशा स्काउट्स पेयर में होते हैं, अकेला इंसान, अकेला फौजी कभी भी स्काउट की ड्यूटी नहीं करता है। दे वर्क अहेड ऑफ लीडिंग सेक्शन, जितना भी सेक्शन है उससे आगे चलते हैं, और एडवांस फ्रॉम बाउंड टू बाउंड। ओके, और आगे बढ़ते रहते हैं बाउंड टू बाउंड। एज स्काउट वन मस्ट ऑलवेज बी अलर्ट। अगर आप स्काउट की सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो है उसका अलर्टनेस। अगर स्काउट अलर्ट नहीं है तो वो खुद के साथ साथ अपनी सेक्शन का भी नुकसान करवा सकता है। स्काउट को हमेशा नीचे दिए हुए मुद्दे पर ध्यान दे। ओके, स्काउट्स को हमेशा ये चीजों पे ध्यान देना चाहिए। इसमें क्वेश्चन आ सकता है, स्काउट्स को ध्यान रखने वाली बातें, स्काउट्स के लिए सबसे जरूरी बातें, कुशलता पूर्वक आगे बढ़ना, चतुराई से आगे बढ़ना, क्लोज कंट्री यानी नैरो पाथ जहाँ पे संकीर्ण रास्ते हैं, में जहां दुश्मन का खतरा हो वहां पर स्काउट्स को फायर एंड मूव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उसके लिए रेडी रहना। स्काउट्स हमेशा सतर्क रहना चाहिए, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, एक दूसरे के संपर्क में रहना चाहिए। स्काउट एक दूसरे से कांटेक्ट में होने चाहिए, बाय फील्ड सिग्नल, बाय वॉकी टोकी या किसी भी तरीके से। ओके, सो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है सेक्शन फॉर्मेशन, आप किसी से भी पूछ सकते हो, बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं। सो प्लीज मेक श्योर आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। सेक्शन फॉर्मेशन कितने तरीके के होते हैं, जैसे ये पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी कवर करूंगा। ओके, अगर आप याद कर सकते हो तो फॉर्मेशन को याद कर लीजिए, अदरवाइज फॉर्मेशन के नाम तो आपको पक्का से पक्का याद करने ही करने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार इसको पढ़िए। ये 6 नाम आपके रटे होने चाहिए। ये आपको प्रैक्टिकल में भी पूछ सकता है कि बेटा बताओ, मीन्स वन ऑफिसर कैन आस्क अ कैडेट कि व्हाट आर द टाइप ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन, मेरे से पूछा गया था। ओके, या फिर आपके पेपर में भी आ सकता है कि किन्हीं 4 सेक्शन फॉर्मेशन को डिफाइन करिए। ओके, सिंगल फाइल फॉर्मेशन को डिफाइन करिए। ओके, तो इस तरीके से आप पोजिशन बना सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर पोजिशन याद नहीं रहती है तो आप इस तरीके से 10 ट्रूप्स बना दीजिए और साइड में लिख दीजिए 6 राइफलमैन, 2 RL पार्टी और 2 LMG। ओके, मतलब यहाँ पे पॉइंट करके मत लिखिए वरना गलत हो जाएगा। ओके, अगर आप पॉसिबल है तो
तो आप इनको याद कर लीजिए, आपके नंबर ये बढ़ा ही सकता है, घटाएगा नहीं, आई एम डैम श्योर। ओके, सो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर नहीं आई हैं, स्टिल कमेंट बॉक्स इज एंटायरली ओपन फॉर योर क्वेश्चन। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर ऑल योर डाउट्स, ऑल योर क्वेश्चन। आप जितने मन करे उतने क्वेश्चन पूछिए, बार बार पूछिए। ओके, सो थैंक यू, जय हिंद।